हाय फ्रेंड्स, आराध्या की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ बनारस की बहुत ही फेमस टमाटर की चाट। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में इसका टेस्ट उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है, और बनाने में तो ये बहुत ही आसान है। आप 10 मिनट के अंदर इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो आपको जब भी फटाफट चाट बना के खाने का मन करे तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ मैंने आधा कप चीनी लिया है और आधा ही कप मैंने यहाँ पर पानी डाला है। और हम यहाँ पे बना रहे हैं, सबसे पहले चाट के लिए चाशनी बना रहे हैं, जीरे वाली चाशनी है। तो यहाँ पे देखिए, 1 से 1.5 चम्मच हम डाल देंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। तो चाशनी हमने कोई तार वाली नहीं बनानी है, बस चाशनी हल्की सी चिपचिपी हो जाए तो उतना हमने उसको बना लेना है। तो यहाँ पे 1/4 चम्मच मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, ऑप्शनल है डालना, आप चाहे तो डालिए, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो चाशनी है वो बन गई है, हल्का सा चिपचिपापन इस पर आने लगा है। तो इसको हम अब साइड में रख देते हैं। और यहाँ मैंने दूसरी कढ़ाई ले ली है और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून देसी घी। तो बनारस की चाट जो होती है ना, वो देसी घी में ही बनती है, तो हम यहाँ पे देसी घी में ही बना रहे हैं। और 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाला है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे खसखस डाला है, पॉपी सीड, और 1 टेबल स्पून मैंने अदरक डाला है। तो अदरक भी इसमें अच्छी क्वांटिटी में रहता है। और अदरक को कद्दूकस कर लिया है मैंने। तो 1 मिनट के लिए इसको हम भून लेंगे। और अब यहाँ पे मैंने 2 से 3 हरी मिर्च काट के डाल ली है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च डालिए। और अब यहाँ मैंने ये 5 से 6 टमाटर लिए हैं और बढ़िया पके हुए लाल टमाटर हैं, तो इसको मैंने काट लिया है, मोटा मोटा ही मैंने इसको काटा है। तो अभी हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे, बस घी के साथ टमाटर को अच्छे से हम फ्राई करेंगे ताकि घी का फ्लेवर जो है ना टमाटरों में बढ़िया से आ जाए। तो इसको मैं तेज़ आँच पर ही 1 से 2 मिनट के लिए ढक दूंगी और बढ़िया से घी में ही हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक ही मैंने बहुत ही मतलब एकदम तेज आंच पे ही मैंने इसको पकाया है। और देखिए, टमाटर थोड़े से पक भी गए हैं, अच्छे से एक बार मिक्स कर देते हैं। और इसके बाद अब इसमें हम डाल देंगे मसाले। तो 1/4 चम्मच डाला है हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच डाला है मैंने लाल मिर्च और 1/2 ही चम्मच डाला है कश्मीरी लाल मिर्च और ये मैंने डाला है यहाँ पे भुना हुआ जीरा और धनिया का पाउडर। तो 2 चम्मच डाला है मैंने यहाँ पे, और नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, और 1 छोटा चम्मच डाला है काला नमक डाला है। तो दोनों नमक हम डाल रहे हैं, तो उसमें नमक हिसाब से ही डालेंगे, स्वाद अनुसार ही दोनों नमक मिला के हम डालेंगे। तो सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और यहाँ पे मैंने डाला है ये चाट मसाला और 1/2 चम्मच डाला है गरम मसाला। तो फिर से हम इसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी ये बन जाता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसमें पानी और इसको ढक के हम 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, 2-3 मिनट ये हो गए हैं और बढ़िया से टमाटर हमारे गल गए हैं, एकदम देखिए गल गए हैं टमाटर। और यहाँ पे मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, मोटा मोटा मैंने इसको तोड़ लिया है। तो आलू को भी हम बढ़िया से इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छा, अगर आप इसमें चाहें तो 1-2 चम्मच घी और ऐड कर सकते हैं बीच बीच में। और ये मैंने 1 से 1.5 चम्मच लिया है इमली का पल्प, अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। तो टमाटर की चाट में घी जो होता है ना, बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में रहता है, तो आप चाहे तो डाल सकते हैं या फिर आप स्किप कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी और डालने के बाद इसको 2-3 मिनट के लिए ढक के और पका लिया है ताकि आलू में भी हमारा जो मसाला है वो बढ़िया से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर हमारी जो चाट है ये बन के एकदम तैयार हो गई है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है और बहुत ही जल्दी ये बन जाती है। तो थोड़ा सा इसमें हम डाल देते हैं हरा धनिया। और ये जो हमने चाशनी बनाई थी जीरा वाला, जो पानी बनाया था, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। वैसे यहाँ पे डालना ऑप्शनल है, आप इसको सर्व करते टाइम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा। और हाँ, इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा 1 नींबू का रस भी आप इसमें निचोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं थोड़े से काजू, लिए हैं, फ्राई कर लिया है मैंने इसको।
तो ये काजू जो है आप स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं, जब हम अदरक भून रहे थे तो उस टाइम पे भी आप डाल सकते हैं, या फिर अभी डाल सकते हैं। तो लास्ट में डालने से हल्के से क्रंची रहते हैं तो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने लास्ट में डाला है। आप चाहें तो इसको हल्का सा दरदरा सा करके स्टार्टिंग में भी आप इनको डाल सकते हैं। तो अब हम चाट को सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एकदम जो ठेले वाली चाट जैसे मिलती है ना, वैसे ही मैंने यहाँ पे डाला है। तो ये एक चम्मच मैंने यहाँ पे डाल दिया है देसी घी इसमें, और फिर मैंने थोड़ा सा इमली का जूस डाला है, और उसके बाद जो हमने जीरे का पानी डाला था वो हमने डाल दिया। उसके बाद थोड़ा सा मैंने डाला है काला नमक ऊपर से, और थोड़ी सी चाट मसाला, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सेव भुजिया डाल दी है, और थोड़े से पापड़ तोड़ के मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, और ऊपर से हल्का सा जीरा वाला पानी मैंने इसमें डाला है। तो ये हमारी बनारस की बहुत ही फेमस और बहुत ही टेस्टी सी टमाटर की चाट बनके एकदम तैयार हो गई है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, मुँह में पानी आ रहा है ना देख के, तो फटाफट से बना लीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।